सब कुछ जय मसीह की। आई एम भजन 32 उसका पद 8 पढ़ेंगे और परमेश्वर के एक विशेष चरित्र के बारे में जानेंगे। इसमें लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वचन बताता है कि परमेश्वर एक अच्छा मार्गदर्शक है जो हमें अगुवाई करता है, जो हमारे मार्गों में हमें आगे बढ़ाता है, जो हमारे मार्गों में अपनी ज्योति को प्रकट करता है ताकि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस समय बहुत सारी बातें होंगी जो हमें कंफ्यूज कर रही होंगी, बहुत सारी बातें होंगी जिन्हें सोचकर लगता है कि हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे इस कार्य को करें, हम कैसे इस समय अपने जीवन में आगे बढ़े। आइए इन सब बातों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रभु जी, हम अपने जीवन की सारी उन बातों को जो हमें असमंजसता में डालती हैं, जो हमें समझ में नहीं आती, प्रभु उन सब बातों को लेकर हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु तेरा वचन में लिखा है, प्रभु तूने वादा किया कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और तुम्हें सम्मति दूंगा। प्रभु जी, तेरी सम्मति, तेरी बुद्धि उत्तम है प्यारे खुदावन प्रभु, और खुदावन प्रभु तेरी बुद्धि, तेरी सम्मति परमेश्वर हमें सही दिशा की ओर अग्रसर करती है। प्यारे प्रभु जी, उन सारी बातों को जो कठिन हैं, जो हमें प्रभु जी कठिन लगती हैं और प्रभु जो हमारी समझ से बाहर है, उन सारी बातों को लेकर हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु जी, इस वक्त जब परिस्थिति सही नहीं है, अच्छी नहीं है प्रभु, बहुत सारी सवाल मन में हैं, बहुत सारी बातें मन में हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही, खुदावन तेरे सामने उनको हम रख देते हैं प्यारे खुदावन, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बुद्धि दे और हमें समझ दे, और खुदावन हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे मार्ग में, एक सही मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर प्यारे खुदावन, क्योंकि प्रभु हम अपनी बुद्धि से आगे नहीं बढ़ सकते परमेश्वर, हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन परमेश्वर तेरा ज्ञान असीमित है परमेश्वर पिता, और खुदावन तेरा मार्गदर्शन करना प्रभु अद्भुत है प्यारे खुदावन प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता को, आपकी मदद को मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, आप हम पर दया करें, दुआ को मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।